हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। बेटा उस दिन हमने एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पढ़ लिया था एनसीईआरटी से, ठीक है ना। आज लिखना बाकी है, एक बार और समझा दूंगा आपको। लो पहले एक मिनट मेरी तरफ देखना, मैं आपको बता देता हूँ। आईडी शुरू किया था बेटा, सबसे पहले हमने पहला टॉपिक पढ़ा, फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडियन इकोनॉमी कैसी दिखती थी इंडिपेंडेंस के दिन। बेटा मैंने बहुत सारी इसमें बात करी, हेडिंग को इतना सिंप्लीफाइड रखा है जो याद हो जाए। हमने बात करी है बेटा कॉलोनियल इकॉनमी की, हमने बात किया बेटा स्टैगनेंट इकॉनमी की, हमने बात करी है बैकवर्ड इकॉनमी की, एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस की बात की है, इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस की बात की है, पुअर इंफ्रा की बात करी है और लिमिटेड अर्बनाइजेशन की बात की है। ये 7 हेडिंग करी थी बेटा, सब में कोई ना कोई स्टैट्स है, ठीक है ना बेटा। सब में किसी ना किसी स्टैट्स की बात किया। अगर मैं लिमिटेड अर्बनाइजेशन से स्टार्ट हो जाऊं तो बेटा 85% रूरल एरिया में रह रहे थे लोग 1947 में इंडिपेंडेंस के दिन। सिर्फ 15% ही लोग ऐसे थे बेटा जो अर्बन एरिया में रह रहे थे, यही अर्बनाइजेशन हुआ था। इंफ्रा की बात करूं तो इंफ्रा बेटा बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बनता है बेटा, रोड से, रेलवे से, डैम से, पोर्ट से, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, पावर जनरेशन, पता नहीं क्या क्या आता है बेटा। लेकिन कुछ पे स्टैट्स अवेलेबल हैं। पावर जनरेशन 2100 मेगावाट्स थी बेटा बाबू। पक्का रोड की बात करें 1,55,000 किलोमीटर, रेलवे की बात करें 53,596 किलोमीटर के एक्सटेंशन की बात हुई है, इतनी बात हुई है बाबू। अगर बात करो इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस की तो बेटा कोई मॉडर्न तगड़ी इंडस्ट्री नहीं थी, ठीक है ना। फ्यू बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्री थी, मशीनरी का प्रोडक्शन नेग्लिजिबल था, कैपिटल गुड्स हम सिर्फ इम्पोर्ट किया करते थे ब्रिटेन से, याद है बात। एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस की बात करूँ तो 72% पॉपुलेशन एंगेज थी एग्रीकल्चर में, कंट्रीब्यूटिंग ओनली 50% टू द जीडीपी, याद आई बात बेटा। 3 हेडिंग बिल्कुल एक जैसी। हाँ जी, बैकवर्ड इकॉनमी की बात कर लो, स्टैगनेंट इकॉनमी की बात कर लो और बेटा कॉलोनियल इकॉनमी की बात कर लो। बैकवर्ड इकॉनमी वो इकॉनमी होती है जिसमें पर कैपिटा इनकम बहुत कम होती है। इंडिया में 230 रुपये थी 1947 to 48 बस। स्टैगनेंट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जो एक जगह पर रुक जाती है, जिसमें कोई ग्रोथ, कोई डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी दिखाई नहीं दे रही बेटा। और इंडिया में बेटा एक स्टैट अवेलेबल है 1900 टू 1950 बेटा पर कैपिटा आउटपुट की ग्रोथ 0.5% थी, सिर्फ आधा % ठीक है ना। और बेटा फर्स्ट हेडिंग की बात करूँ तो बेटा अगर आप बात करो कॉलोनियल इकोनॉमी क्या चीज़ होती है, एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम जहां एक कंट्री रूलर है, दूसरी उसकी कॉलोनी है और रूलर फ्रेम करता है सारी इकोनॉमिक पॉलिसी फॉर द कॉलोनी। क्लियर है बात, याद है। चलो एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पहले एक बार लिख लेते हैं बेटा, फिर ब्रशअप करके जाऊँगा आपके लिए बाबू। फर्स्ट हेडिंग लिखना, टॉपिक का नाम लिखो एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। और बेटा इसमें फर्स्ट हेडिंग लिखेंगे आप, लैंड रेवेन्यू सिस्टम अंडर ब्रिटिश राज। लैंड रेवेन्यू सिस्टम अंडर ब्रिटिश राज। और पेपर में किसी भी नाम से आ सकता है ये, लैंड रेवेन्यू सिस्टम अंडर ब्रिटिश राज और गल्फ बिटवीन ऑनर ऑफ सॉइल एंड टिलर ऑफ सॉइल। ऑनर ऑफ सॉइल एंड टिलर ऑफ सॉइल। लो जी बेटा फर्स्ट बुलेट लिखना शुरू करेंगे। देयर वाज अ ट्रायंगुलर रिलेशनशिप। And there was a triangular relationship between British government, owner of soil and tiller of soil. There was a triangular relationship between British government, owner of soil and tiller of soil. Second bullet लिखो, जमींदार्स were the permanent owner of the land. Zamindars were the permanent owner of the land. They had to pay a fixed sum to the British government. They had to pay a fixed sum to the British government. Third bullet likho. In return, they could exploit या they exploit लिखो. In return they exploit tiller of soil, ब्रैकेट में लिखना farmer. In return they exploit tiller of soil, ब्रैकेट में लिखना farmer, as much as they could. लो जी सामने देखना. ऑल्दो मैं बेटा लास्ट टाइम इसकी चर्चा कर चुका हूं और बेटा मैं एनसीईआरटी के वर्ड बता के जा रहा हूं आपको 1 मार्क के लिए. सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा ये लिखा हुआ था एनसीईआरटी में कि एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत सुधारने के बाद भी आज तक स्टैगनेंट बना हुआ था, यानी कि 1947 तक स्टैगनेंट बना हुआ था. उसका एक ही मेन रीजन था बेटा, लैंड रेवेन्यू सिस्टम. ध्यान रखना बेटा 1 मार्क के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल रहा हूं आपको. एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत सुधार हुए होंगे बेटा 200 सालों में, लेकिन तब भी एग्रीकल्चर स्टैगनेंट का स्टैगनेंट रहा 1947 में सिर्फ एक सिस्टम की वजह से, वो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था बेटा आपका. ठीक है जी बाबू, इसको आप बोल सकते हो गल्फ बिटवीन ऑनर ऑफ सॉइल एंड टेलर ऑफ सॉइल. ठीक है ना बाबू, एक और नाम से भी इसको जानते हैं बेटा. अगर आप देखोगे रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम की बात हुई भी थी एनसीईआरटी में, आप लिखना चाहो तो वो नाम भी लिख सकते हो. लोग समझने की कोशिश करते हैं बेटा. सबसे पहले पॉइंट में मैंने लिखा देयर एग्जिस्टेड ट्रायंगुलर रिलेशनशिप बिटवीन ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड ऑनर ऑफ सॉइल एंड टेलर ऑफ सॉइल. लो प्यारे बच्चों सामने देखना बेटा, ट्रायंगल सा बना हुआ था एक, कहता है एक ट्रायंगुलर रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच, ऑनर ऑफ सॉइल के बीच एंड टेलर ऑफ सॉइल के बीच. बेटा टेलर ऑफ सॉइल मतलब जो बेटा कल्टीवेट करते हैं लैंड को, जिसको हम फार्मर बोलते हैं. ऑनर ऑफ सॉइल मतलब जमींदार. होता क्या था बेटा, ये एक्चुअल ऑनर ऑफ सॉइल थे. फार्मर आर द एक्चुअल ऑनर ऑफ सॉइल. इनसे ऑनरशिप राइट छीना ब्रिटिश गवर्नमेंट ने और ऑनरशिप राइट कन्फर्ड कर दिया, ट्रांसफर कर दिया टू द जमींदार. इनको दे दिया ऑनरशिप राइट. ठीक है ना, ये मालिक बन गए बेटा खेतों के, जबकि इन्होंने कुछ नहीं किया. ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला कि हमने आपको इसीलिए ऑनर बनाया ताकि आप हमें एक फिक्स्ड रेंट पे कर सको. ठीक है ना, तो और आपको जो हमें फिक्स सम पे करना है वो एक स्पेसिफाइड डेट पर करना है. अगर वो डेट निकल गई तो हम आपसे ऑनरशिप राइट छीन लेंगे. ठीक है जी भाई, इनको एक मालिक बना दिया और मालिक बनने की शर्त क्या थी, ये क्या करेंगे बेटा उस लैंड जिसका इनको ऑनर बनाया गया उसका एक फिक्स्ड रेंट पे करेंगे बेटा ब्रिटिश गवर्नमेंट को. ठीक है, कहीं से भी लाओ, लेकिन बेटा एक डेट दी गई उस डेट से पहले लाओ. अगर उस डेट के बाद आए तो बेटा आपका ऑनरशिप राइट छीन लिया जाएगा. ठीक है जी, और बेटा इसके बदले में जमींदार को पावर दी गई कि आप टेलर ऑफ सॉइल को जितना चाहो उतना एक्सप्लॉइट कर सकते हो, हमारे से कोई लेना देना नहीं. और बेटा ये क्या करते थे, इनसे काम कराते थे अपने खेतों में. थे भी खेत एक्चुअल में इनके बेटा, ठीक है ना, मालिक लेकिन ये बन गए. इनसे काम कराते थे, इनको कहते थे रॉ मटेरियल सब आप खरीद के लाओगे, कुछ भी चाहिए बेटा, पेस्टिसाइड चाहिए, इंसेक्टिसाइड चाहिए, सीड्स चाहिए, फर्टिलाइजर चाहिए, सब आप यूज करोगे अपने पैसों का. और बेटा ये क्या करते थे, सारा काम भी इनसे कराते थे और बेटा 70 से 80% क्रॉप खा जाते थे बेटा इनके. 70 से 80% क्रॉप ये बेटा इनसे चार्ज करते थे एज रेंट और बेटा इसका एक फिक्स सम पे कर देते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट को, बाकी अपने पास रख लेते थे. आप इनकी हालत सोचो, इनकी हालत क्या थी. अगर कोई पूछे ना एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था, तो बेटा इनकी हालत से समझ में आएगा एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था. सब कुछ अपनी जेब से लगा रहे हैं बेटा, मेहनत दिन रात ये कर रहे हैं, और मिलता क्या था बाद में 20 से 30%, जस्ट 20 से 30%। समझ आई बात? तो क्या था लैंड रेवेन्यू सिस्टम, कैसे लैंड का रेवेन्यू बढ़ता था बेटा। ये खाने वाले सबसे ज़्यादा, थोड़ा बहुत इनका फिक्स सम, और बेटा इनके पल्ले कुछ नहीं, बस घर चल रहा था। ठीक है जी, ऑल ओके, समझ आया? रीड करके बताना क्या ये बात क्लियर है आपको। बेटा सेकंड हेडिंग लिखना, डोमिनेंस ऑफ सबसिस्टेंस फार्मिंग, डोमिनेंस ऑफ सबसिस्टेंस फार्मिंग। लो बेटा ये हेडिंग है, डोमिनेंस ऑफ सबसिस्टेंस फार्मिंग। फर्स्ट बुलेट बनाओ जी इसमें फटाफट से, फार्मिंग वाज मेयर अ सोर्स ऑफ सबसिस्टेंस। जल्दी जल्दी लिखो बेटा, फार्मिंग वाज मेयर अ सोर्स ऑफ सबसिस्टेंस सेकेंड बुलेट, सबसिस्टेंस फार्मिंग मीन्स, subsistence farming means when crop was produced, subsistence farming means when crop was produced for the basic necessity of the family, for the basic necessity of the family, for the basic necessity of the family। Third bullet लिखना, lack of commercial outlook, lack of commercial outlook। लो जी सामने देखना मेरी तरफ बेटा, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस कभी भी फार्मिंग कोई बेटा कॉमर्शियल प्रोफेशन नहीं था। बेटा कॉमर्शियल प्रोफेशन क्या होता है? जब आप किसी चीज़ को कल्टीवेट करते हो फॉर द मार्केट, आपने कोई चीज़ प्रोड्यूस करी मार्केट में बेचने के लिए, पैसे कमाने के लिए, ये होता है कॉमर्शियल आउटलुक होना या कॉमर्शियल प्रोफेशन होना। 1947 तक बेटा फार्मिंग कभी भी रही नहीं है बेटा कॉमर्शियल आउटलुक या कोई कॉमर्शियल प्रोफेशन। बेटा क्यों? फार्मर के पास बचता ही कितना था जो मार्केट में बेचे? उसके पास बचता था 20%, 30%। वो बेटा इतना होता था कि उसकी फैमिली पूरे साल भर बस खाना खा लेती थी। तो बेटा उस टाइम पर जो फार्मिंग थे ना, अ मेयर अ सोर्स ऑफ सबसिस्टेंस। सबसिस्टेंस मतलब बेटा सिर्फ घर चलाने के लिए जितना चाहिए उतना। आप कभी सोचते नहीं थे कि आपको मार्केट के लिए कुछ प्रोड्यूस करना है या मार्केट में बेच के कुछ कमाना है। आप सोचते थे कि फार्मिंग एक सबसिस्टेंस का सोर्स है, घर चलाने का सोर्स है, घर वालों को खाना मिल जाता है, बस हमारे लिए बहुत है। तो ये थी फार्मिंग बेटा 1947 तक। ठीक है जी, चलो थर्ड हेडिंग लिखना बेटा, स्मॉल एंड फ्रैगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स, स्मॉल एंड फ्रैगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स। स्मॉल एंड फ्रैगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स, एक ही बुलेट में लिखना, लैंड होल्डिंग्स वर बोथ स्मॉल एंड फ्रैगमेंटेड, लैंड होल्डिंग्स वर बोथ स्मॉल एंड फ्रैगमेंटेड, कॉमा मोस्ट ऑफ द लैंड लेफ्ट अनइकोनॉमिक, मोस्ट ऑफ द लैंड लेफ्ट अनइकोनॉमिक। बस इधर देखना मेरी तरफ बेटा, ऑल्दो मैं इसकी चर्चा लास्ट टाइम भी कर चुका हूं, दोबारा बोल रहा हूं, इधर देखना बेटा, फार्मर्स जिन लैंड को कल्टीवेट करते थे ना बेटा, वो बहुत स्मॉलर इन साइज थी पहली बात, दूसरी बात फ्रेगमेंटेड थी। मतलब मैंने परसों भी एग्जाम्पल दिया था इस बात के ऊपर कि फार्मर को जो लैंड मिलती थी कल्टीवेट करने के लिए वो क्या थी, ये बेटा टुकड़ा है 200 गज का, ये बेटा 400 गज का टुकड़ा है, और ये 800 गज जगह। तो वो क्या करेगा बेटा, इन तीनों के डिस्टेंस एक दूसरे से 25-25, 30-30 किलोमीटर दूर है। आप खुद सोचो बेटा ऐसे केसेस में क्या होगा। कोई मोटर बाइक का जमाना नहीं था, कोई कारें नहीं होती थी बेटा कि 20-25 मिनट में पहुंच जाएंगे 25 किलोमीटर दूर। बैलगाड़ी का जमाना था बेटा, सुबह से लेकर शाम लगती थी एक जगह पर पहुंचने के लिए। तो बेटा फार्मर ऐसी सिचुएशन में करेगा क्या, उसके पास 3 टुकड़े हैं जिनको वो कल्टीवेट कर सकता है। स्मॉल लैंड होल्डिंग है, 200 गज, 400 गज, 800 गज, छोटे छोटे टुकड़े हैं पहली बात। दूसरी बात फ्रेगमेंटेड है, फ्रेगमेंटेड मतलब अलग अलग जगह पर है बेटा। तो ऐसे केसेस में वो क्या करता था, सबसे बड़ा टुकड़ा पकड़ता था, इसी को कल्टीवेट करता था और जो भी उगाता था बेटा घर चला लेता था। और ये दोनों ये अनइकोनॉमिक रह जाते थे, ये कभी इसके ऊपर कोई क्रॉप ही नहीं होती थी बेटा, खाली सालों साल इनका इस्तेमाल नहीं हो पाया। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी एग्रीकल्चर की ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। क्लियर हुई बात, स्मॉल छोटे छोटे टुकड़े थे, फ्रेगमेंटेड अलग अलग जगह पर थे बेटा, दोनों ही बहुत बड़ी कमी है। अगर एक जगह पर हो और बड़ा टुकड़ा हो बेटा बहुत फायदा है, सारी के सारी लैंड का यूज हो सकता है बेटा, कहीं ना कहीं कुछ पैसे बन सकते हैं। क्लियर है बात, हाँ जी। नहीं ये होती तो जमींदार की थी, पहले इनकी थी, जमींदार को ऑनरशिप राइट ट्रांसफर कर दिया गया। जमींदार ने कहा तीनों को कल्टीवेट करो, कर पा सकता है वो कर ही नहीं सकता, वो एक ही जगह को कल्टीवेट करता था जो सबसे बड़ी होती थी ताकि उसकी फैमिली के लिए कुछ ज़्यादा बच जाए। और ये अनइकोनॉमिक पड़ी है। क्लियर बात, बढ़े आगे। चलो जी नेक्स्ट हेडिंग लिखना, हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, मैं बोलता हूं ये तो लिमिटेशन आज तक एग्जिस्ट करती है एग्रीकल्चर में, आज तक। लो जी फर्स्ट बुलेट लिखना, एग्रीकल्चर वाज एन अनसर्टेन प्रोफेशन। एग्रीकल्चर वाज एन अनसर्टेन प्रोफेशन because it excessively depends upon the rainfall, because it excessively depends upon the rainfall. Second bullet, good rainfall implies good output. Good rainfall implies good output, whereas bad rainfall implies bad output. Good rainfall implies good output, bad rainfall implies bad output. Third bullet, no sincere efforts were made. No sincere efforts were made. No sincere efforts were made to develop permanent means of irrigation. No sincere efforts were made to develop permanent means of irrigation. लो जी प्यारे बच्चों सामने देखना, ये बेटा एग्रीकल्चर सेक्टर देख लो कैसा था। बाबू कमियां ही कमियां दिखाई दे रही होंगी, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, मैं फीचर लिखवा रहा हूँ या लिमिटेशन, सच मायने में यही फीचर है और यही कमियां है बेटा। बाबू चौथी सबसे बड़ी कमी, हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। एग्रीकल्चर बेटा शुरू से, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ 1947 में ये हालत थी, आज भी हालत है बेटा। बाबू एग्रीकल्चर बेटा हमेशा से एक अनसर्टेन ऑक्यूपेशन रहा है, क्योंकि हम बेटा सिर्फ रेनफॉल के ऊपर डिपेंड करते हैं, बस भगवान के ऊपर, भगवान बारिश आ जाए, भगवान बारिश आ जाए मेरी फसल ठीक रहे। या तो आता था अकाल या आती थी बाढ़, बीच का कोई रास्ता ही नहीं होता था बेटा, ठीक है ना। या तो बिल्कुल सूखा पड़ रखा है बेटा, पानी नहीं आ रहा, और या बेटा बिल्कुल बाढ़ आ जाती है और एग्रीकल्चर तबाह हो जाता है बेटा। अच्छी रेनफॉल होएगी, ठीक होएगी तो बेटा अच्छा आउटपुट होएगा, खराब होगी तो खराब होगा। इंडिया में कोई परमानेंट मीन्स ऑफ इरीगेशन आज तक भी अच्छे नहीं है बेटा, ऐसे कोई परमानेंट मीन्स ऑफ इरीगेशन कि बहुत अच्छी अच्छी आपने नहरें कुएँ बनाए हुए हों बेटा, पानी नहीं है। तो बेटा एग्रीकल्चर तब नहीं, आज भी यही हालात पे खड़ा है, ठीक है ना। ये एक अनसर्टेन रहा है बेटा, हमेशा से भगवान की दया दृष्टि पे रहा है ये प्रोफेशन। चलो जी नेक्स्ट वन, फिफ्थ वन, लो प्रोडक्टिविटी। लो प्रोडक्टिविटी, अब दो हेडिंग इकट्ठे लिखेंगे फिर दोनों इकट्ठे समझेंगे। प्रोडक्टिविटी मीन्स output per hectare of land. Productivity means output per hectare of land. Next bullet लिखना बेटा, मैं बोर्ड पे एक स्टैट्स लिख रहा हूं, वही आपको चिपकाना है नेक्स्ट बुलेट में। जैसे लिख रहा हूं बिल्कुल वैसे ही। लो जी, लिखना नेक्स्ट बुलेट में ये। लो जी, लिखना बेटा नेक्स्ट बुलेट, थर्ड बुलेट। ये सेकंड बुलेट है बेटा, थर्ड बुलेट लिखना। प्रोडक्टिविटी वाज 5.1 टाइम्स लोअर ब्रैकेट में लिख लेना wheat, 5.1 times lower as compared to 1947-48 comma productivity of rice was 4 times lower. As compared to 1947-48. 1947-48. बाबू लास्ट हेडिंग लिखना, फोर्स्ड कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। लास्ट हेडिंग, फोर्स्ड कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। फर्स्ट बुलेट लिखना इसमें, कमर्शलाइजेशन मीन्स shift from cultivation for self consumption to cultivation for the market. Second bullet, British government forced Indian farmer to produce indigo as textile industries were on peak. Textile industries were on peak in Britain. And indigo was required for dyeing and bleaching of textile and indigo was required for dyeing and bleaching of textiles. Third bullet, farmers were to accept advance payment in cash. Farmers were to accept advance payment in cash but they seldom left. They seldom left with any cash due to high indebtedness. बेटा डेप्ट वर्ड नहीं होता, डेट होता है वर्ड. ड्यू टू हाई इंडेटनेस. लो जी एक वर्ड है बेटा ये. डेप्ट कोई नहीं बोलता बेटा, ना बोलना चाहिए, डेट होता है वर्ड. हाई इंडेटनेस. नेक्स्ट बुलेट, फोर्थ बुलेट. Earlier they produce food crop for the family. But now they had to buy it from the market. लो प्यारे बच्चों सामने देखो. चलो जी, मेरे को फिफ्थ और सिक्स्थ हेडिंग समझानी है. पहले सिक्स्थ हेडिंग की चर्चा, फिर फिफ्थ की चर्चा. बेटा सिक्स्थ हेडिंग में हमने लिखा है फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर. बेटा कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हो गया, अच्छी बात है. बुरी क्या बात है इसमें समझना. कमर्शियलाइजेशन का मतलब क्या होता है बेटा? डोमिनेंस फार्मिंग का बिल्कुल अपोजिट वर्ड है. डोमिनेंस फार्मिंग क्या थी? सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या थी? अपने घर के लिए उगा रहे हो जी, ठीक है ना. इतनी क्रॉप हो रही है कि घर वाले खा रहे हैं, बस यही हो रही है जी. कमर्शियलाइजेशन का मतलब होता है अब घर वालों के लिए छोड़कर बेटा हम इतनी क्रॉप प्रोड्यूस कर रहे हैं कि मार्केट में बिकेगी, हमें मिलेगा कैश. तो बेटा कमर्शियलाइजेशन दे दिया हमें ब्रिटिशर्स ने, तो बुरा क्या किया बेटा? बुरा वर्ड है फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर. कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एक बड़ा पॉजिटिव वर्ड है, लेकिन जब बोला जाता है ना फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, तो ये एग्रीकल्चर फोर्स जो था ये जबरदस्ती का कमर्शियलाइजेशन था. बाबू हो क्या रहा था? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियन फार्मर को प्रेशराइज करना शुरू कर दिया कि आप इंडिगो प्रोड्यूस करोगे, अपनी फूड क्रॉप बंद कर दो. कोई वीट का प्रोडक्शन नहीं, कोई राइस का प्रोडक्शन नहीं, कोई मेज नहीं, कोई जूट नहीं, कोई कॉटन नहीं, सब हटा दो. सिर्फ और सिर्फ इंडिगो प्रोड्यूस होगा इंडिया में. तो उनसे पूछा जाएगा कि क्यों कर रहे हो आप ऐसा? क्योंकि ब्रिटेन में उस टाइम पर बेटा टेक्सटाइल इंडस्ट्री पीक पर थी, ठीक है ना. कपड़ा इंडस्ट्री पीक पर थी, और बेटा कपड़े के लिए डाइंग और ब्लीचिंग के लिए हमें नील की जरूरत होती थी. इसलिए बेटा उन्होंने बोला कि आप इंडिगो ही प्रोड्यूस करोगे, और बेटा जबरदस्ती का एडवांस पकड़ा जाते थे. ये पकड़ो एडवांस पेमेंट और प्रोड्यूस करना शुरू करो इंडिगो. लेकिन बेटा इस एडवांस से भी फार्मर की कोई सिचुएशन नहीं बदल गई, क्योंकि बेटा वो जितना एडवांस पकड़ते थे जमींदार आते थे वो छीन के चल देते थे. ड्यू टू द हाई इंडेटनेस, पुराने बड़े कर्जे थे उनके ऊपर जो उनको चुकताने होते थे बेटा, ठीक है ना. और पुराना नहीं भी था बेटा, 70 से 80% तो खा ही जाना है जमींदार ने, वैसे कौन सा छोड़ना है आपके लिए. तो एक ये दिक्कत बेटा. पहले क्या होता था? पहले आप फूड क्रॉप उगाते थे तो कम से कम फैमिली को खाना मिल जाता था. अब क्या होता था? आपके हाथ में जितना कैश आया सब जमींदार छीन के चल दिया, तो बेटा बाय करना पड़ता था खाना, और उसके भी पैसे आपके पास नहीं बचते थे. तो कुल मिला के सिचुएशन बैड से वर्स्ट हो गई थी आपकी, ठीक है ना. ठीक कुछ नहीं हुआ. इसके अलावा एक बात मैंने लिखवाई नहीं है, लेकिन ये भी समझ लो बेटा, इंडिगो लैंड फर्टिलिटी खत्म कर देता है. 5 साल लगातार अगर इंडिगो उगा ली ना, तो बेटा उसके बाद जमीन किसी लायक नहीं बचेगी, कुछ नहीं उगा सकते बेटा, उगेगा नहीं, उसकी फर्टिलिटी खत्म हो जाती है, वो फर्टाइल नहीं रह जाती. समझ आई आपको ये बात? तो बेटा ये जो कमर्शियलाइजेशन था, ठीक है, सोच अच्छी थी. कमर्शियलाइजेशन का मतलब होता है कल्टीवेट फॉर द फैमिली, अ शिफ्ट फ्रॉम कल्टीवेट टू द फैमिली टू कल्टीवेट फॉर द मार्केट. फैमिली को छोड़कर आप मार्केट के लिए कल्टीवेट करना कमर्शियलाइजेशन होता है. लेकिन दिक्कत क्या थी? फोर्स कमर्शियलाइजेशन दिक्कत थी. चलो जी बेटा फिफ्थ हेडिंग मैंने लिखवाई लो प्रोडक्टिविटी। बेटा एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी का मतलब अलग होता है, सिंपल प्रोडक्टिविटी का मतलब अलग होता है। प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है एग्रीकल्चर में आउटपुट पर हेक्टेयर ऑफ लैंड। अगर हम एक हेक्टेयर लैंड को उठा लें तो हम कितना प्रोड्यूस कर पाते हैं उसके ऊपर, ठीक है ना। और आप देख लो बेटा ये हालत 1947-48 की है और ये बेटा हमारी करंट सिचुएशन है, हमारे पास स्टैट्स अवेलेबल है। बेटा लैंड नहीं बदल गई, पहले एक हेक्टेयर लैंड पे बेटा व्हीट प्रोड्यूस होता था 660 केजी, आज देख लो। पहले राइस प्रोड्यूस होता था 665, आज देख लो 2705। तो बेटा व्हीट का प्रोडक्शन 5 गुना बढ़ गया है उसी लैंड पर, 5 गुने से भी ज़्यादा 5.1 टाइम्स। और बेटा राइस का प्रोडक्शन 4 गुना बढ़ गया। तो बेटा उस टाइम पर जो एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी थी वो भी काफ़ी कम थी। और बिना स्टैट्स के नहीं लिख सकते आप इसको, स्टैट लिखना ही पड़ेगा। जब आप बात कर रहे हो लो प्रोडक्टिविटी तो बताओगे तो कितनी लो थी बेटा, समझ आई बात। 6 हेडिंग लिखी बेटा। ऑल्दो हम बात कर रहे थे फीचर ऑफ एग्रीकल्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, तो बेटा कायदे से ये 6 की 6 लिमिटेशन है, ठीक है ना। फीचर कहाँ से आई, तो कमियां ही कमियां थी भाई एग्रीकल्चर में, कुल मिला के शुरू से लेकर आखिरी तक कमी थी, ठीक है जी। और आपको बता देता हूं जब इंडियन गवर्नमेंट ने बेटा, अभी पढ़ेंगे फ्यूचर में जाकर कभी 10-20 लेक्चर के बाद, कि इंडियन गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर का क्या क्या सुधार करा, तो जितनी कमियां थी ना बेटा सारी सुधार दी थी, ठीक है जी। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं बेटा, बाय बाय।